बाद वयम अभ्यासम कुर्मा, हम अभ्यास करते हैं। लिखा है पाठ से आधार है ना, पाठ के आधार पर निम्नलिखित आनाम निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्नाना प्रश्नों के एक पद है ना उत्तरम लिखंतु, एक पद से उत्तर लिखो। जैसे लिखा है भोजनांते, भोजन के अंत में पातुम योग्यम किम, पीने योग्य क्या है। तो अगर आप इस पाठ से देखें तो इसमें लिखा हुआ है तक्रम, क्या है पीने योग्य? तक्रम। तक्रम क्या होता है? छाछ। वैसे लिखा है सर्वदेवानां वंदनीयः कहा, सभी देवताओं के लिए जो पूजनीय हैं, पूजा करने लायक है, वो कौन है? तो वह हैं मृत्युंजयः। क्या है इस पाठ के अकॉर्डिंग? क्या है? मृत्युंजयः। वैसे लिखा है जयंतः कस्य सुतः, जयंत जो हैं वो किसके पुत्र हैं? तो वो हैं शक्रस्य। इस पाठ के अकॉर्डिंग होगा उत्तर होगा शक्रस्य, इंद्रस्य। उसी तरह से लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति, लंका में मिलकर के किसका पूर्ण रूप है? तो वो है कुंभकर्णः, कुंभकर्णः। ये हो गए हमारे प्रश्न संख्या एक के सारे उत्तर। अब है बच्चों पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार से निम्नलिखितानां निम्नलिखित प्रश्नानां प्रश्नों के पूर्ण वाक्येन पूरे वाक्य से उत्तरम लिखन्तु, उत्तर लिखो। लिखा है विष्णुपदं कथम प्रोक्तम, विष्णुपदं कथम प्रोक्तम, विष्णुपद हमें कैसे प्राप्त होता है? तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं विष्णुपदं, कैसे लिख सकते हैं विष्णुपदं दुर्लभम, ठीक है, प्रोक्तम, ये आपने लिखना है, ठीक है, ये आ गया उत्तर। लिखा है कस्य आदि अंतः च न अस्ति, किसका आदि और अंत नहीं है? तो आप लिख सकते हैं नयनस्य, नयनस्य, नयन का आदि ही अंतः च नास्ति, इस तरह से आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। वैसे लिखा है नरः काश्यं किम इच्छति, नर इंसान काशी में क्या चाहता है? क्या चाहता है? मृत्युंजयः, मृत्युंजयः। तो उत्तर बनाते समय आप क्या करेंगे, इस किम की जगह आप लिख देंगे मृत्युंजयः और ये काट देंगे, तो कैसे हो जाएगा? नरः काश्यं मृत्युंजयः इच्छति। अब उसके बाद है बच्चों कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति, कुलालस्य नहीं होगा यहाँ, कुंभकारस्य गृहे, कुंभकार के घर में आधा क्या है? तो कुंभकार के आधा क्या है? तो यहाँ आप लिखेंगे कुंभः, क्या लिखेंगे? कुंभः। तो आप क्या करें, किम की जगह पे कुंभः लिख दें, कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभः अस्ति, कुंभकारस्य गृहे। वैसे ही है प्रश्न संख्या तीन, अधोलिखितानि शब्द रूपानि, नीचे लिखे शब्द रूप पठन्तु पढ़ो, अवगच्छन्तु समझो, चा स्मरन्तु और याद करो। तो यहाँ षष्ठी विभक्त्यन्तानि रूपानि, षष्ठी विभक्ति के जो हैं वो रूप लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ लिंग लिखा अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग, तो शब्द है जैसे छात्रः, तो इसका षष्ठी विभक्ति में बन जाएगा छात्रस्य एक वचन में, द्विवचन में बन जाएगा छात्रयो और बहुवचन में छात्रा नाम। तो छात्रा का अगर कोई आपको कहे कि षष्ठी में क्या रूप बनता है, तो बनता है छात्रस्य छात्रयो छात्रा नाम, तो इसका अर्थ हो जाता है छात्र का, छात्र के, छात्र की। वैसे ही दो छात्रों का, दो छात्रों के, दो छात्रों की, बहुत सारे छात्रों का, बहुत सारे छात्रों के, बहुत सारे छात्रों की। वैसे विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयस्य विद्यालयो विद्यालयानाम, ठीक है, विद्यालय का, दो दो विद्यालयों का, सब विद्यालयों का। वैसे ही सुतः, पुत्र को कहते हैं सुतस्य सुतयो सुतानाम, रामः रामस्य रामयो रामानाम। यहाँ तो पुल्लिंग हो गए, यहाँ तक अकारांत पुल्लिंग, अब है अकारांत स्त्रीलिंग, सीता सीता सीतयो सीतानाम। कथा से बन जाएगा कथायाः कथयो कथानाम,
प्रिया से बनेगा प्रियायाः, प्रियायोः, प्रियानाम। ये षष्ठी के सारे रूप आपको अच्छे से याद करने। वैसे ही बच्चों शब्द तो सिर्फ अकारांत आकारांत तो नहीं होते, इकारांत भी होते हैं। जैसे नदी है तो नदी के षष्ठी हो जाएगा नद्याः, नद्योः, नदीनाम। देवी शब्द होगा तो देव्याः, देव्योः, देवीनाम। वैसे ही अकारांत नपुंसक लिंग भी होते हैं। पुस्तकम ये नपुंसक लिंग शब्द है, उद्यानम, फलम, भोजनम ये सब नपुंसक लिंग है। तो इनका भी षष्ठी विभक्ति वैसे ही बनता है जैसे पुल्लिंग का बनता है। पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानाम, उद्यानस्य उद्यानयोः उद्यानानाम, फलस्य फलयोः फलानाम, भोजनस्य भोजनयोः भोजनानाम। वैसे ही कुछ सर्वनाम शब्द यहाँ लिखे हैं, जैसे अहम अस्मद शब्द रूप है, त्वम युष्मद शब्द रूप है, तत् पुल्लिंग है, तत् स्त्रीलिंग है, तत् नपुंसक लिंग, एतत् पुल्लिंग, एतत् स्त्रीलिंग, एतत् नपुंसक लिंग। तो अहम जो शब्द अस्मद शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति होती है मम, आवयोः, अस्माकम्। युष्मद शब्द जो है उसका हो जाता है तव, युवयोः, युष्माकम्। तत् का हो जाता है तस्य, तयोः, तेषाम। तत् स्त्रीलिंग का हो जाता है तस्याः, तयोः, तासाम। तत् नपुंसक लिंग का होगा तस्य, तयोः, तेषाम। और एतत् पुल्लिंग का हो जाएगा एतस्य, एतयोः, एतेषाम। एतत् स्त्रीलिंग का हो जाएगा एतस्याः, एतयोः, एतासाम। एतत् नपुंसक लिंग का होगा एतस्य, एतयोः, एतेषाम। ये जो शब्द रूप है ना संस्कृत में जितने भी वर्ड्स हैं इन्फिनाइट वर्ड्स सब जो हैं उनकी विभक्तियाँ होती हैं, सात विभक्तियाँ होती हैं। ये आपने पढ़ लिया होगा, अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारी ग्रामर की वीडियोस देखें, वहाँ से आप जाके समझ जाएंगे। ठीक है, ये ग्रामर पोर्शन है सारा। अब यह है प्रश्न संख्या चार, उदाहरणानुसार मतलब उदाहरण के अनुसार वाक्यानि लिखन्तु, वाक्य लिखो। तो उदाहरण के अनुसार उदाहरण कहाँ है, तो उदाहरण जैसे यहाँ लिखा है विद्यालय छात्रः, तो यहाँ लिखा है विद्यालयस्य छात्रः गच्छति, मतलब ये विद्यालय है इसका विद्यालयस्य बना दिया, और छात्रः गच्छति पहले से ही लिखा है। वैसे ही लिखा है द्विचक्रिका चक्रम, तो आपने यहाँ क्या लिखना है द्विचक्रिका। अब यहाँ तो विद्यालय का बन गया विद्यालयस्य, लेकिन द्विचक्रिकास्य नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंत में आ है, इसके अंत में आ नहीं है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग था। तो यहाँ क्या हो जाएगा द्विचक्रिका याः, द्विचक्रिका याः चक्रम भ्रमति, मतलब द्विचक्रिका चक्र घूम रहा है। द्विचक्रिका क्या होती है, जिसके दो चक्र होते हैं वो क्या होती है, साइकिल होती है ना, उसका क्या घूम रहा है, चक्र घूम रहा है। तो वृक्षः फलम, तो वृक्ष का क्या बन जाएगा, क्योंकि यह अकारांत है तो इसका बन जाएगा वृक्षस्य, क्या बनेगा वृक्षस्य फलम खादति, वृक्ष का फल खाता है। ठीक है, अब लिखा छात्रा नाम, तो छात्रा नाम का क्या हो जाएगा, छात्रा अकारांत है तो हो जाएगा छात्रायाः, छात्रायाः नाम पृच्छति, छात्रा का नाम पूछता है। रामः पुस्तकम, तो राम अकारांत शब्द हो जाएगा रामस्य पुस्तकम आनयति, राम की पुस्तक लाता है, पुस्तकम। देखो अब यहाँ पर ना ये वाला ही माँ होगा, पुस्तकम आनयति। मंदिरम शिखरम, तो मंदिरम का क्या बन जाएगा मंदिरस्य, क्या बन जाएगा मंदिरस्य शिखरम पश्यति, मंदिर का शिखर देखता है। आप देख रहे होंगे मैंने कहीं पर ये इस माँ के लिए कहीं पर ऐसी बिंदी लगाई है और कहीं पर ये माँ पूरा लिखा है। जैसे यहाँ पर मुझे ये माँ पूरा नहीं लिखना था, यहाँ पर भी मुझे ये ही डालना है। ठीक है, ऐसा क्यों, इसका एक नियम है, वो आप अपनी क्लास में अपने शिक्षक को जरूर पूछें। अब है प्रश्न संख्या पाँच, लिखा है तालिकायाम, तालिका में या टेबल में प्रदत्तानाम दिए हुए शब्दानाम शब्दों की षष्ठी विभक्ते है, षष्ठी विभक्ति के रूपानी रूप रिक्तस्थाने लिखन्तु, रिक्तस्थान में लिखो। जैसे देवा है तो इसका लिख दिया देवस्य, वृक्षा है तो क्या हो जाएगा वृक्षस्य, वैसे ही द्वारपाला है तो द्वारपालस्य, स्यूता है तो क्या हो जाएगा स्यूतस्य, वैसे अनुजा है तो क्या हो जाएगा अनुजस्य, अग्रजा है तो अग्रजा का क्या हो जाएगा अग्रजस्य, पितामह है तो पितामहस्य,
उसी तरह से मातुला है तो मातुलस्य, मातुल कौन होता है, मामा। प्राचार्य है तो क्या हो जाएगा, प्राचार्यस्य, यही हो जाएगा। विद्यालय है तो विद्यालयस्य, इसके साथ स्या लग जाएगा। पितृव्य है तो पितृव्यस्य हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही स्त्रीलिंगम आ गया, जैसे रमा से बन गया रमाया, छात्रा से क्या बनेगा, छात्रा को छात्रा ही लिखना है, बस या और आ लगा देना, छात्राया। ऐसे ही दोला है तो या और आ जाएगा, दोला याह। उपासना, उपासना याह। पुस्तिका, पुस्तिका याह। भ्रातृजाया, भ्रातृजाया। अग्रजा, अग्रजाया। वो भ्रातृजाया होती है भाभी, अग्रजा होती है बड़ी बहन, और याह लग गया तो बन जाएगा बड़ी बहन काके की। स्नुषा, स्नुषा याह। लेखनी, तो लेखनी इकारांत है तो इसका कुछ अलग बनेगा क्योंकि इकारांत है, तो इसका हो जाएगा लेखन्याह। ऐसे ही पत्नी, पत्नी का इकारांत है तो इसका हो जाएगा पत्न्याह, है ना। पुत्री है तो इसका भी बन जाएगा बच्चों पुत्र्याह, क्लियर। अब इसके बाद नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग में आपने आप देखेंगे ये भवनम लिखा है तो इसका माँ हटा दिया जाता है और भवन लिख करके स्या लिख दिया जाता है साथ में, भवनस्य। वैसे ये उद्यानम है तो इसका हो जाएगा उद्यानस्य, क्या हो जाएगा उद्यानस्य। वनम है तो वनम का क्या हो जाएगा बच्चों, वनस्य, ठीक है। वैसे ही सूत्रम है तो सूत्रस्य, पत्रम है तो पत्रस्य, यंत्रम है तो यंत्रस्य, वातायनम है वातायनस्य, पुष्पम है तो पुष्पस्य, संगणकम संगणकस्य, संगणकम होता है कंप्यूटर। तो गृहम गृहस्य, घर का। वार्तापत्रम वार्तापत्रस्य, वार्तापत्रम समाचार पत्र को बोलते हैं। अब है बच्चों हमारे पास प्रश्न संख्या 6। जैसे प्रश्न संख्या 6 में लिखा है रिक्त स्थानेषु, रिक्त स्थानों में कुटुंबस्य, परिवार का परिचय लिखो, परिचय लिखो। जैसे बच्चों यहाँ लिख दिया गया मम नाम दिनेशः, मेरा नाम दिनेश है। मम पितु नाम सुरेशः, मेरे पिता का नाम सुरेश है। वैसे लिखा है मम मातु नाम, तो आपने यहाँ पर अपनी माता का नाम लिख देना, बस मम मातु नाम डैश जो भी है। ऐसे ही मम अग्रजस्य नाम, मेरे अग्रज कौन होता है, बड़ा या बड़े, बड़े भाई का, मेरे बड़े भाई का नाम जो भी है आपने यहाँ लिखना है। मम अनुजायाह नाम, अनुजा, अनुजा होती है छोटी बहन, अनुजा कौन होगी, छोटी बहन, मेरी छोटी बहन का नाम डैश है, वो लिखना है। अब आपकी छोटी बहन है या बड़ा भाई है, कोई ना कोई रिश्तेदार में होगा, उसका नाम जरूर लिखना है। वैसे लिखा है मम पितामहस्य नाम, मेरे पितामह का नाम, पितामह दादा को बोलते हैं, उनका नाम यहाँ लिखना है। वैसे ही मम पितामहियाह नाम, पितामहिया मतलब दादी, दादी का, ठीक है, मेरी दादी का नाम डैश है। वैसे ही मम पितृव्यस्य नाम, मेरे चाचा का, चाचा का नाम। वैसे ही मम पितृव्यायाह, चाची का, चाची का नाम। एतत मम कुटुंबकम, ये मेरा परिवार है। अब बच्चों यहाँ आप देख रहे होंगे अधः श्रीरामस्य कुटुंबस्य रेखाचित्रम अस्ति, नीचे श्री राम के परिवार का एक रेखाचित्र है। चित्रम दृष्ट्वा, चित्र देखकर, उदाहरणानुसारम वाक्यानि रचयन्तु, उदाहरण के अनुसार जो वाक्य है वो रचयत। जैसे लिखा उदाहरण रामस्य पिता दशरथः, ये राम है तो रामस, राम के साथ क्या लग गया, स्या लग गया, तो क्या बन गया रामस्य पिता दशरथः, ठीक। यहाँ तक हो गया। उसी तरह से आगे देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे वाक्य बनने हैं। जैसे लिखा है रामस्य पिता दशरथः, अब ये एरो इधर देखो, इधर आ रहा है एरो, तो आपको क्या करना है दशरथ के साथ से लगाना, दशरथस्य पुत्रः रामः, ठीक है। वैसे ही रामस्य माता कौशल्या, है ना। वैसे ही कौशल्या
इसके साथ याह लगेगा, कौशल्या याह पुत्रः रामः, ऐसे ही रामः रामस्य ससुरः जनकः, राम के जो ससुर हैं वो जनक हैं, तो जनकस्य जामाता, जनक की जो जामाता हैं वो श्री राम है ना। वैसे लिख देखेंगे आप कुछ इस तरफ ऐड हो जाते हैं। तो दशरथ के साथ स्या लगेगा, तो दशरथस्य सुनुषा, सुनुषा होती है पुत्र वधु, ठीक है, जो पुत्र की वाइफ होती है उसको बोलते हैं सुनुषा। तो दशरथस्य सुनुषा सीता, दशरथ की पुत्र वधु जो है वो सीता है। और अब यहाँ से एरो इस तरफ जा रहा है तो सीता के साथ लग जाएगा याह, सीता याह ससुरः दशरथः, सीता के ससुर को हैं दशरथ हैं। वैसे ही लिखा है कौशल्या याह सुनुषा सीता, कौशल्या वही सीता याह श्वश्रुः कौशल्या, ऐसे लिखा है जनकस्य पुत्री सीता, तो सीता याह पिता जनकः। अब बात करते हैं यहाँ से सीधा जा रहा सामने एरो, ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ से हम चलते हैं। देखो तो रामस्य पत्नी सीता, अब एरो इस तरफ आ रहा है तो सीता याह पति रामः, वैसे यहाँ लिखा है डैश श्वश्रुः सुनयना, मतलब राम की जो सास थी उनका नाम था सुनयना, और सुनयना याह पुत्री सीता है ना, तो सीता याह माता सुनयना, सुनयना याह जामाता रामा, वैसे रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, और लक्ष्मणस्य भ्रातृजाया सीता, वैसे सीताया सीतायाः देवरः लक्ष्मणः है ना, और लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः, वैसे ही रामस्य पुत्रः लवः, और लवस्य माता सीता, सीतायाः पुत्रः लवः, लवस्य पिता रामः। इस तरह से पूरे वाक्य बनेंगे, इनको आप क्लास में अच्छे से बना पाएंगे। अब बच्चों यहाँ लिखा है प्रश्न संख्या 8, लिखा है निम्नांकित पुस्तक सूची मध्य, नीचे एक पुस्तकों की सूची है उसके बीच में कस्य उपरि किम् अस्ति इति लिखन्तु, किसके ऊपर क्या है वो आप लिखो। जैसे यथा जैसे लिखा लीलावत्याः उपरि पंचतंत्रम् अस्ति, लिखा लीलावती तो लीलावत्याः उपरि पंचतंत्रम् अस्ति, वैसे भगवद्गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति, तो भगवद्गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति, यहाँ तक तो हो गया। अब आप लिखेंगे रामायण, रामायणस्य, तो यहाँ क्या हो जाएगा रामायणस्य उपरि लीलावती अस्ति, क्या हो जाएगा रामायणस्य रामायणस्य उपरि किमस्ति भगवद्गीता अस्ति, ठीक है। मैं तो समझता हूँ कि आप इन सब प्रश्नों को एक बार में ही समझने से कर लोगे, मुझे थोड़े पता है कि आप इतना नालायक हो कि आप नहीं कर पाओगे, ऐसा तो नहीं है, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, खुद कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। वैसे ही लिखा है मनुस्मृति, यहाँ से ही चलना है क्योंकि ऊपर की बात हो रही है, तो मनुस्मृति के, तो मनुस्मृते उपरि रघुवंशम अस्ति, तो रघुवंशस्य उपरि योगशास्त्रम अस्ति, योगशास्त्रस्य उपरि हितोपदेशः अस्ति, और हितोपदेश के ऊपर तो कुछ है ही नहीं है तो क्या ही लिखना है। वैसे अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्रस्य उपरि महाभारतम अस्ति, महाभारतस्य उपरि अष्टाध्यायी अस्ति, अष्टाध्यायायाः उपरि अमरकोशः अस्ति, ठीक है। इस तरह से हो गया हमारा ये प्रश्न संख्या 8। अब है बच्चों उसके बाद हमारा योग्यता विस्तार, जिसमें कुछ पहेलियाँ दी हुई हैं, योग्यता विस्तार परीक्षा में नहीं आता है तो इसलिए आप इसको अपने घर में बैठ के अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी, योग्यता विस्तार आपको कक्षा में अध्यापक भी बता ही देंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी पाठ संख्या 9 की, तो इसको आपने देख लिया होगा अच्छे से, उम्मीद है आपने इसको अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी क्या दी गई है, प्रोजेक्ट वर्क भी दिया गया है, इस प्रोजेक्ट वर्क को भी आप करें
और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। कैसी लग रही है आपको वीडियो, और आपने इससे पहले 8 चैप्टर देखे या नहीं देखे वो भी बताइए। और ऐसे ही पढ़ते रहिए। कुछ एक पाठों की मैंने प्रश्नोत्तरों की वीडियो अलग से बनाई है, उनको भी देख लीजिए, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।